पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, यदि आपका भी पैसा रुक गया है, आपकी भी किस्तें रुक गई हैं और आप बहुत परेशान हो चुके हैं दोस्तों, और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है दोस्तों, जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो पेमेंट स्टेटस में आपको एक एरर देखने को मिलता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाई स्टेट और रिक्वेस्ट ऑफ स्टॉप कर दिया गया है या स्टेट गवर्नमेंट से पेमेंट को आपका होल्ड कर दिया गया है, उस वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका फॉर्म आपात हो गया है, आपात लिस्ट में हो गया है, या आपका जो पेमेंट है वो स्टॉप हो गया है, वो किस वजह से हुआ है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी रुकी हुई किस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी समस्या होती है उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपना स्टेटस लॉगिन कर लेना है दोस्तों। हमने यहाँ से एक किसान भाई का स्टेटस लॉगिन कर लिया है। लॉगिन होने के बाद में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उस किसान भाई का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और आपको डेट भी मिल जाएगी, किस डेट में आपको जो फॉर्म है वो अप्रूवल हुआ था, किस डेट में आपको अप्रूवल मिला था। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसके बराबर में आपको यहाँ से पेमेंट स्टेटस मिल जाएगा कि आपको जो भी इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आपको प्राप्त हुई है और कितना स्टॉप आपका पेमेंट हो गया। अब दोस्तों इन किसान भाई को जो पेमेंट है वो दो किस्तें मिल चुकी हैं और तीसरी किस्त पे इनका जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाई स्टेट और रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे एप टू प्रोसीड नो आ रहा है और जो थर्ड नंबर है यहाँ पे आपको पेमेंट मोड अकाउंट नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ से एप टू प्रोसीड नो आ रहा है। अब एप टू प्रोसीड नो क्यों आता है वो आपको जानकारी हम देते हैं। सबसे पहले दोस्तों एप टू प्रोसीड नो जब आता है, जब पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपका जैसे जारी नहीं होता है, आपका पैसा रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो आपका एप टू प्रोसीड नो आता है। जब आपका एप टू प्रोसीड यस हो जाता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेट गवर्नमेंट से आपका पैसा जारी हो जाता है तो आपका एप टू प्रोसीड यस हो जाता है। जब तक आपका एप टू प्रोसीड यस नहीं होगा तब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहां से एप टू प्रोसीड नो भी है और सेकंड नंबर पे आपको यहां से मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब दोस्तों ये स्टॉप जो पेमेंट होता है वो दो वजह से होता है, जब आपका जो पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जब स्टॉप कर दिया जाता है या डिस्ट्रिक्ट से कर दिया जाता है तो उस फॉर्म की दो वजह होती है। सबसे पहले आपकी जो सबसे बड़ी जो वजह होगी वो आपको फॉर्म की आपात्र होगा, जैसे आपका फॉर्म आपात्र हो गया है या आपात लिस्ट में आ गया है या आपात श्रेणी में आ गया है तो आपका जो पेमेंट होता है वो स्टॉप यहां से कर दिया जाता है, स्टॉप स्टेट गवर्नमेंट से आपका जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया जाता है, आपको वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है और आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी किस्तें होंगी वो आपको प्राप्त नहीं होंगी। दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म आपात्र हो गया है, हम पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान है फिर भी हमारा आपात्र हो गया है, और उस बीच में आपको यहां से एक चीज और चेक कर लेना है, पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है। सबसे दूसरी जो कमी है यहाँ से पेमेंट मोड अकाउंट आपका भी आ रहा है तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। जिस किसान भाई का यहाँ से पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है उस किसान भाई का पेमेंट स्टॉप हो जाएगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से स्टॉप हो जाए चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हो जाए, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों सबसे जो बड़ी वजह बताते हैं दोस्तों, जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है आधार कार्ड के जरिए पैसा ट्रांसफर होता है, जैसे आधार कार्ड डीबीटी इनेबल होता है आपके बैंक में या आधार कार्ड लिंक होता है, आधार कार्ड सीडिंग होता है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। यदि आपके आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक में, आधार कार्ड सीडिंग नहीं है तो उस वजह से आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो होल्ड कर दिया जाता है और आपको यहां से मैसेज मिल जाता है या एरर मैसेज आपको यहां से मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट और रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यह भी मैसेज आपको शो करता है। और दोस्तों यह मैसेज जो किसान आपात्र हो गए हैं उनके भी यहां से शो करता है, जो किसान भाई आपात्र हो गए हैं उन्हें भी यह मैसेज शो करेगा, जिन किसान भाई का अकाउंट की वजह से पैसा स्टॉप हो गया है उन्हें भी यही मैसेज शो करेगा। अब दोस्तों आपको पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। न्यू अकाउंट किसी भी बैंक में आप ओपन करा सकते हैं। जब दोस्तों आप न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे तो दोस्तों इस पोर्टल पर अपडेट होने में कम से कम 1 मंथ से 2 मंथ लग जाते हैं। फिलहाल इस पोर्टल पर आपको यहां से लिख के आता हुआ प्लीज वेट 15 डेज, मतलब 15 डेज से ज्यादा ही टाइम लगता है दोस्तों। आपको सोच रहे हो कि 15 दिन में हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल अपडेट हो जाएगा या हमारा फॉर्म अपडेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस फॉर्म को अपडेट होने में कम से कम 1 मंथ से 2 मंथ लग जाते हैं और कुछ ना कुछ वजह से किसान भाई परेशान होते रहते हैं और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता। अब दोस्तों सबसे जो बड़ी बात बता दें, जैसे दोस्तों आपका जो फॉर्म जहां से पेमेंट मोड अकाउंट नहीं आ रहा है,
आधार कार्ड आ रहा है तो उस फॉर्म को कैसे हम ठीक करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अकाउंट आ रहा है तो आपको जो न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है, यदि यहाँ पे अकाउंट नहीं आ रहा है, आधार आ रहा है, तो उस फॉर्म को हम कैसे ठीक करा सकते हैं। उस फॉर्म को ठीक कराने के लिए दोस्तों आपके पास में यह फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, मतलब आपको इस फॉर्म की फोटो स्टेट निकलवा लेना है। उसके साथ में आपको आधार कार्ड लगाना है, बैंक की पासबुक लगाना है और खतौनी लगाना है। जमीन का जो खतौनी होता है वो आपको लगा लेना है दोस्तों। और वो लगाने के बाद में आपको कृषि विभाग जाना है, जो आपका कृषि विभाग होता है या आपका ब्लॉक होता है वहाँ आपको जाना है। वहाँ से अपना जो जमीन का सत्यापन करा लेना है, अपने फॉर्म का सत्यापन करा लेना है, अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन करा लेना है। वहाँ जाने के बाद जब आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका जो स्टॉप पेमेंट आ रहा है तो वो आपका स्टॉप पेमेंट नहीं आएगा, आपका पेमेंट पेंडिंग में आ जाएगा या पेमेंट प्रोसेसिंग में लिख के आ जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में ये ख्याल आता हो कि हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट है, हमें एक किस्त मिली या दो किस्त मिली, उसके बाद में हमारा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा, तो हमें किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों हम बता दें, यदि आपका जो पेमेंट स्टॉप हो गया है, पहले से नहीं मिला है, तो सभी किस्त आपकी रुकी भी किस्त एक बार में मिल भी सकती है, दो बार में भी मिल सकती है। फिलहाल आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पुराना पैसा जरूर मिलेगा दोस्तों, जब तक आप फॉर्म ठीक करा लेंगे उसके बाद ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा दोस्तों। जब आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा तो आपकी सभी पुरानी किस्तें आपके खाते में पहुंच जाएंगी दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।